बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बर्गरों की रेसिपी लेके आए हैं, चिकन बर्गर की रेसिपी, और बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लजीज अंदाज में। बकायदा जो सी चिकन टिक्की है वो भी घर में बनाई हुई है, वो उसकी रेसिपी मैंने पहले आपके साथ शेयर की है, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। और ऐसी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको बाहर की रेसिपी का जोड़ ही नहीं है। आप बाहर से बर्गर खा लें, मेरा घर का बर्गर खा लें। ये घर का बर्गर बनाएंगे तो घर वाले पूछेंगे कि जी ये कहाँ से आया है, कैसे आपने बनाया, ये वो आपसे पूछेंगे कि भाई हमें भी बताओ ये रेसिपी कैसी आई है आपके पास। इंशाल्लाह आप इसको ट्राई करें, बस सिर्फ एक दफ़ा मेरे कहने पर ट्राई करें तो फिर मुझे आपने बताना है। चलें, इसके लिए जो चीज़ें चाहिए बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको चीज़ें बता दूँ जल्दी से। सलाद के लिए जो चीज़ें चाहिए आपको, एक दरमियानी साइज़ की आपने प्याज ले लेनी है और उसको आपने बारीक बारीक काट लेना है, और मैंने ठंडे पानी में इसको ड्रिप कर लेना आपने, ताकि इसकी कड़वाहट होती है, तेज़ी होती है, वो ख़त्म हो जाती है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, टिप्स मेरी बात को सुने। फिर बारीक बारीक बंद गोभी काट लेनी है, बारीक बारीक खीरा अपनी मतलब के मर्ज़ी के मुताबिक, जितना आपने हसब ज़रूरत, और ऑयल भी आपने हसब ज़रूरत ले लेना है। और अंडे, चार अदद अंडे ले लिए मैंने, आप छः अंडे भी ले सकती हैं, मैंने छः बर्गर ही बनाने हैं तो आप छः अंडे भी ले सकते हैं, मैंने चार ले लिए हैं। और इसके अलावा जो मसाले डालेंगे वो आपने ले लेनी है, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून हल्दी, और हाफ टी स्पून आपने ले लेनी है रेड चिली पाउडर, और ग्रीन चिली, एक ग्रीन चिली को लेके उसको बारीक बारीक चॉप कर लेना है, और हाफ टी स्पून आपने नमक का ले लेना है। और एक बाउल लिया मैंने, इसमें आपने टू टेबल स्पून दूध के डाल देना है, दूध के डाल देना, ये अंडे फेंटने के लिए मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा टमाटो केचप, मायोनीज और चिली गार्लिक सॉस, और ये बंद हैं, ये देखें ट्रिक देखें, ये बंद हैं, ये बंद आपने लेना है। इसको टू शेप में नहीं काटना, इसको थ्री पीसीज में काटना है, वन पीस, सेकंड पीस, थर्ड पीस, ठीक है फ्रेंड। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये बॉल दूध लिया हुआ था, टू टेबल स्पून दूध ले लेना, ठीक है। इसमें अब आपने एक चाय का चम्मच आपने ऑयल डाल देना है। इसके साथ आपने ये जो अंडे थे, ये अंडे आपने डाल देने हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। आपने छः लेने हैं तो छः ले लें, चार लेने हैं, मैंने चार ले लिए हैं, छः बर्गर बनाने हैं। ये असल में मिक्स कर देंगे तो वो छः बर्गरों पे पूरे आ जाएंगे। ये देखें फ्रेंड्स, ये दूध और ऑयल में ये हमने अंडे डाल दिए हैं, और ये जो मसाले हैं ये हमने इकट्ठे इसमें डाल देने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये सारे मसाले चले गए हैं, इनको अच्छे तरह से आपने मिक्स करना है। ये आपको मैंने ट्रिक और टिप्स बताए हैं, इसमें दूध डालेंगे अंडों में तो ये ज़्यादा अच्छे फूट के बनेंगे और ज़्यादा ज़बरदस्त बनेंगे। और इसमें मैंने ग्रीन चिली भी बीच में छोटी छोटी कटिंग करके डाल दी है, वो भी बहुत प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक भी मसाले कम ज़्यादा ले सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक है, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले आपने तवे पर ऑयल डाल देना है, तो आपने क्या करना है, अंडे फ्राई करने हैं, आपने इस शेप के करने हैं, बर्गर की शेप के अंडे फ्राई करने हैं। आपने ये नहीं करना पूरे तवे पे फैला लेना, क्योंकि हमारे घर में बनाते हैं छोटे तवे होते हैं। एक टिक्की बनानी है बर्गर पे, जो एक बर्गर पे एक अंडा आ जाए उस तरह की टिक्की बनानी है। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये टिक्की आपने एक एक बर्गर पर जोन के आ जाए, बस ये इतनी आपने टिक्की बनानी है अंडे की। इस तरह की आपने टिक्कियाँ बना लेनी है, मैं सारी टिक्कियाँ बना लूँ, छः टिक्कियाँ बनानी है, छः बर्गर बनानी है, अंडे की छः टिक्कियाँ बनानी है, जो छः टिक्कियाँ बना लें उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, जो चिकन टिक्की बर्गरों में इस्तेमाल होगी ये टिक्कियाँ चिकन की, ये होममेड हैं, ये मैंने आपको रेसिपी डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, ये मैंने पहले भी आपके साथ रेसिपी शेयर की हुई है। ये चिकन टिक्कियाँ, ये टिक्कियाँ हम बर्गर में इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही मज़ेदार हैं, घर की बनी हुई हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हुई हैं। हमने अंडों को फ्राई करके रख लिया, ये छः पीसीज में हमने इसको फ्राई कर लिया, ये छः बर्गरों में लगेंगे, ये अंडों की टिक्कियाँ बन चुकी हैं, ये तैयार हैं। अब हमने क्या करना है, अब आपको मैं बताता हूँ, आपने अब जो बंद हैं वो फ्राई कर लेने हैं। अब इनको गर्म किया, अब इनको ज़्यादा आपने नहीं हीट अप करना, ये इसको ऐसे ऐसे दबाया, इस तरह का आपने स्पून इस्तेमाल करना है, मार्केट से ईजीली मिल जाएगा, आप इसका पता कर लें। इस तरह का स्पून ये बर्गर बनाने के लिए ज़बरदस्त है। ये देखें, आपने हल्का हल्का एक साइड पे एक दफ़ा इसको फ्राई करना है, दूसरी साइड पे एक दफ़ा, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। ये इसको दबाएंगे, ये सॉफ्ट हो जाएगा,
इसका मतलब ये पक चुका है। हाँ ये पक चुका है, इसको आप बस निकाल देंगे। इसी ये देखें हल्का सा कलर आ गया, खैर है ज़्यादा इसको डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर नहीं करना। चलें इसी तरह ये देखें, ये सारे तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। ये देखें फ्रेंड्स, ये इसको ऐसे पकड़ा, ये देखें आपने ऐसे रखना है, पहले एक साइड ऊपर दूसरी तीसरी। ये क्या होगा, ये तीनों एक ही एक के ऊपर ऐसे ही मैंने सारे गर्म कर लिए हैं, एक के ऊपर ही रखे हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे हैं। इससे क्या होगा कि ये गर्म रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखें हमने नीचे वाली लेयर, बर्गरों की नीचे वाली लेयर, वो हमने सारी नीचे वाली लेयर रख ली है। अब इस पर सबसे पहले आपने क्या करना है, मायोनीज लगा लेनी है इन पर। इसके बाद ये चिकन टिक्की थी बर्गर वाली, ये इन पर लगा लें, ये सब पे ऐसे टिक्की लगा लें। ठीक है, अब इसके बाद ये जो एग फ्राई किए थे वो इन पे लगा लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के तैयार होंगे। आप एक दफ़ा बस सिर्फ इसे मेरे कहने पे ट्राई करना, मेरे तरीके से ट्राई करना, अपने गेस्ट के लिए बनाना और मुझे बताना ज़रूर कि किस तरह के बने। ये देखें फ्रेंड्स, हमने इस पर एग लगा ली हैं। पहली लेयर आपने इस बात का ख्याल रखना है, मायोनीज नीचे लगानी है, उसके ऊपर आपने टिक्की लगानी है, उसके ऊपर अंडा लगाना है। ये गर्म लेयर हो गई है, सैलड की लेयर इस पर नहीं लगानी, कैचअप की लेयर भी नहीं लगानी। आपका बर्गर का बंद होगा, वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा जहाँ पे आप लगाएंगे। अभी अब मैं आपको आगे बताता हूँ। अब आपने ये देखें, ये बर्गर था, इसकी ये टॉप वाली साइड है, ये सेंटर वाली साइड है, तीन पीसीज में मैंने कट किया था। ये अब सेकंड लेयर इसकी लगानी है, सारों को सेकंड लेयर लग गई है। अब आपने क्या करना है, ये चिली गार्लिक सॉस है, ये थोड़ी चिली गार्लिक सॉस लगाएंगे इन पे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इस पे सॉस वगैरह कोई भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद हमने इस पे केचप लगा देनी है। ये देखें केचप लग गई। अब देखें, अब ये केचप लगाई, अब ये थोड़ा सी ये लेयर जो है वो थोड़ी ठंडी होगी, सैलड क्योंकि गर्म पे नहीं लगाएंगे, ये ख़राब हो जाएगी। सैलड की लेयर को थोड़ा ठंडा होगी, ये केचप लगाने से थोड़ी ठंडी हो जाएगी। अब इस पे लेयर लगा देंगे। अब इस पे आपने ये थोड़ी सी प्याज लगा देनी है, हसबे जायका अपने। ये प्याज हो गई, अब थोड़ी थोड़ी बंद गोभी सारे पे लगा दें, ऐसा टॉपिंग कर लेनी है। ऐसे ऐसे बारीक बारीक काटे हुए हैं, ये देखें ये बिल्कुल ही बारीक कटे हुए हैं। इस तरह की आपने कटिंग में इनको बारीक बारीक काटना है, ये देखें बारीक बारीक काटना है। इस पे ऐसे ऐसे फैला के आपने इसको लगा दें। अल्हम्दुलिल्लाह, अरे बर्गर, चिकन की चिकन बर्गर, होममेड बर्गर, स्पेशल बर्गर, बाजार वाले बर्गर का इसका कोई जोड़ ही नहीं है। इतने स्पेशल किस्म के बनकर तैयार हुए हैं कि आप बस सिर्फ एक दफ़ा ट्राई करें इसको, मुझे फिर बताना हाँ जी ये कोई चीज़ तैयार हुई है। आप इसका ये ऊपर वाला जो इसकी टॉपिंग पार्ट है वो हम इसके लगा देंगे। ये देखें ये फ्रेंड्स, ज़बरदस्त लुक बर्गर, स्पेशल होममेड बर्गर ये बनकर तैयार हैं। ये बहुत ही प्यारी इसकी लुक आई है, बहुत ही प्यारा इसका कलर है, बहुत ही प्यारा इसका जायका है। ये मैं आपको इसकी कटिंग करके, मैं कटिंग करके भी आपको, ये देखें ये दोनों साइडों से पकड़ें ऐसे, इसको ऐसे ऐसे इसकी कटिंग करें। ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। और ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखना, बड़ों का बहुत अदब करना और बच्चों से बहुत प्यार करना। और ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।